गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तर कसक काय मित्रांनो, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे रहोगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक देखना, ओके? विकेट, ओहो हो, एंट्री एंट्री एंट्री, लेजेंड की एंट्री ऐसी होनी चाहिए। आज बहुत स्पेशल डे है तो आज संभाल के खेलना। फैंस के लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है स्पेशल डे पे, तो आज कुछ भी करके नहीं बोलूंगा, बट अच्छे से खेलना ताकि सेंचुरी कंप्लीट हो जाए, कि फैंस को भी अच्छा लगे। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन विराट कोहली ऑन 100 टेस्ट मैच, ऑल टाइम माई इंस्पिरेशन, बहुत खुश हूँ मैं। क्राउड फुल शेयरिंग कर रहा है विराट कोहली को। ओके, फर्स्ट बॉल, ओ वेल प्लेड वेल प्लेड। वो लोग कोहली को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे, फील्डिंग लगा रही है, वो लोग क्लोज आ रहे हैं कोहली के बहुत, बट कोहली भाई ये सबसे निकल चुका है। ये गया, तो ये वाले ऐड ने ना हमारे बिल्डिंग की सीढ़ियों की पूरी वाट लगा दी है। आपको दिखाऊंगा मैं आगे वाले वीडियो में कैसी वाट लगाई है। हाँ ये देखो, हाँ ये भी देखो, देखा ऐसी हालत करके रखी है ये लोगों ने हम लोग की बिल्डिंगों की। देखा आप लोगों ने कैसे हाल करके रखा है ये बिल्डिंग की सीढ़ियों का। नहीं नहीं, अभी आप लोग ये बताओ, ये अच्छा लग रहा है? जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर ये सब गंदगी फैल के रख, गंदगी फैलाने का अच्छी है। वैसे तो हम लोग की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, बट कुछ कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो बिल्डिंग को पूरा ख़राब कर देते। तो ये वाला वीडियो वो लोग तक भी जाने वाला है अभी, तो इसलिए मैं ये शूट कर रहा हूँ ताकि वो लोग को कुछ समझ में आए और अक्ल आए कुछ। वो लोग, मेरी मॉम मुझे हर बार चिल्लाती है, मुझे बोलती है कि अरे कपाट में जो तेरे कपड़े हैं तो कैसे भी फेंक देता है। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि हम लोग का जो कपड़े वो देख। हम मेरे मम्मी और पापा के कपड़े जो है वो बहुत सिस्टमेटिकली रखती है मम्मी, आपको दिखाता हूँ। चलो देखो, वो ये वाला पार्ट उनका है, उनका पार्ट देखो कितना अच्छे से सिस्टमेटिकली रखा है उन्होंने, ये सब देखो अच्छे से सेट करके रखा है। अभी आप लोगों को मैं मेरा वाला पार्ट दिखाता हूँ कैसे है, देख लो। ऐसे कैसे फेंक दिए मैंने कपड़े, ऐसे लग रहा है मुझे, मुझे भी अब ये सच में देखने अच्छा नहीं लग रहा है। ये वाला जो पार्ट है दादाजी का पार्ट है, तो दादाजी का पार्ट भी एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, बट यहाँ से जो पार्ट है ये सब मेरा पार्ट है, तो बहुत ऐसा मेसी लग रहा है बहुत। फिर नहीं कि मम्मी मतलब अच्छे से सेट करके जाती है, बट मैं ऐसे ऐसे फेंक देता हूँ, तो अभी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ये देखने के लिए। तो आज जो हम लोग का काम है, ये जो सारे कपड़े हैं हम लोग अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि मम्मी और पापा आज मॉर्निंग को ही शादी को गए हैं, तो उनके आने से पहले ही हम लोग ये सब कुछ सेट कर देंगे, ताकि मेरी मम्मी जब देखेगी ये तो एटलीस्ट मुझे बोलेगी कि हाँ तूने आज तो कुछ ढंग का काम किया है। तो फर्स्ट काम है ये जितना भी है ऑल सेट करके, अच्छे से सेट करके रखना है, ओके, मम्मी एंड पापा आने से पहले। इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन के मेरे डांस के वीडियो सीखे होंगे, तो वो जो वीडियो शूट है मैंने यहाँ ये वाले प्लेस पे किए थे, ये वाले प्लेस पे मैंने वो वीडियो शूट किए थे। तो लाइटिंग कुछ ऐसी है, अगर मुझे डीम लाइट चाहिए होगी तो मैं लाइटिंग को जो मेन स्विच है उसको ऑफ करके जो डीम लाइट है स्पॉट लाइट है उसको ऑन कर देता हूँ, ऐसा कुछ उसका लुक आता है, तो वीडियो भी मेरा अच्छा दिखता है। अगर मुझे थोड़ा सा बाहर का सनलाइट चाहिए होगा तो मैं वीडियो में तो ये पर्दे को थोड़ा सा खोल देता हूँ, तो लाइटिंग भी थोड़ी सी, अभी थोड़ा उजाला थोड़ा कम आ रहा है, बट आपको थोड़ा थोड़ा दिखता होगा ये सनलाइट, तो मेरे वीडियो पे थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है। इस तो मैं घर पे थोड़ा सा जुगाड़ कर देता हूँ लाइटिंग का, अगर मुझे थोड़ा सा ये लाइटिंग चाहिए होगी तो मैं लाइटिंग भी ऑन कर देता हूँ, तो इसका लुक कुछ ऐसा आता है। एंड मैं फ़ोन को यहाँ पर सेट करता हूँ, मेरे फ़ोन को, एंड यहाँ से मैं अपना शूट करता हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा रह के अपना डांस करता हूँ। तो एंड हमारी जो दूसरी प्लेस है
तो यहाँ पर मैं ये वाला स्टूल मैं यहाँ पर रखता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं अपना लैपटॉप या फोन सेट कर देता हूँ, यहाँ से मैं अपना ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद मैं ये वाले प्लेस पे परफॉर्मेंस करता हूँ, ये वाले प्लेस पे मैं सिखाता हूँ। ये जो प्लेस बहुत मुझे पीसफुल लगता है, जब से हम लोग ने ये वॉल स्ट्रक्चर दिया है तब से, मतलब मुझे यहाँ पर क्लास लेना बहुत पीसफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर क्लास लेना। अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम के लॉकडाउन वाले वीडियो अगर देखे नहीं होगी ना, तो यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा एंड आप लोग वो लिंक पे क्लिक करके मेरे प्रोफाइल में जाके मेरे लॉकडाउन वाले वीडियो देख सकते हो, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे फॉलो भी करना। तो ये छोटा सा मेरा होम टूर था, जहाँ पर मैं डांस शूट करता हूँ या जहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, छोटा सा होम स्टूडियो टूर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बता देना आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा छोटा सा स्मॉल टूर।